Let us look at how specified domestic transactions are impacted under transfer pricing. Originally, transfer pricing का introduction जो था वो केवल international transaction तक limited था. मतलब अगर एक Indian company है जो अपनी किसी non-resident associated enterprise के साथ transaction कर रही थी, इन्हीं के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल था. बट लेटर ऑन द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, सेम थिंग वाज बीइंग डन. पर्टिकुलरली लेट अस टेक केस ऑफ एन असेसी हु हैड वन बिजनेस वेयर देयर वाज अ टैक्स हॉलिडे एंड अनदर बिजनेस विच वॉज कंप्लीटली टैक्सेबल. इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो भी आपकी इनकम टैक्स हॉलिडे वाले यूनिट में होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और जो भी इनकम टैक्सेबल वाले यूनिट में होती है उस पर आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है, लेट्स से एट 30%. इस केस में हो सकता है ये इनकम अदरवाइज एग्जेम्प्ट हो लेकिन फिर भी आपको मैट पे करना पड़े, बट जनरली अदरवाइज ये इनकम जो है टैक्स रेट यहाँ पर कम होता है. सो व्हाट द टैक्स पेयर यूज्ड टू डू वाज they used to increase the income in the tax holiday unit and increase corresponding expenses in the taxable unit. इससे क्या होता था कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी expense आपने 10 के बजाय 20 का डाल दिया तो आपकी tax liability यहाँ पर कम हो गई. Same amount जो है क्योंकि यहाँ पर income बन के आ गया और यहाँ पर tax या तो नहीं था या MAT था जो lower rate पर था, तो आपका टैक्स रेट ओवरऑल कम हो गया. इसके अलावा कुछ केसेस और थे जो पहले स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में कवर्ड थे जो दो यूनिट्स के बीच में या दो कंपनीज के बीच में कवर्ड थे. ये तो इंटर यूनिट हो गया, ये इंटर कंपनी हो गए, बट इनमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. Transfer pricing on income from domestic related party transactions, section 92 subsection 2a. Specified domestic transactions were covered under transfer pricing regime to determine income from domestic related party transaction. Income उस केस में जहाँ पर आपकी income है और जो expense है वो corresponding किसी related party के पास है. Determine reasonableness of expenditure between domestic related parties. अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया और यहाँ पर आपने एक्सपेंडिचर बुक किया है तो ये डिसाइड करना कि क्या ये एक्सपेंडिचर रीजनेबल है या नहीं. मतलब अगर आपने 100 पे किए हैं तो अगर ये इंडिपेंडेंट पार्टी होती इंस्टेड ऑफ एक्स, सपोज देर वॉज सम इंडिपेंडेंट पार्टी, क्या ये इंडिपेंडेंट पार्टी भी सेम अमाउंट का एक्सपेंस क्लेम करती या नहीं. सो दो चीज़ें, वन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, सेकेंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंडिचर. सेक्शन 92 सबसेक्शन 2A प्रोवाइड्स दैट एनी अलाउंस फॉर एन एक्सपेंडिचर. अगर आप कोई भी खर्चा क्लेम करते हैं विच कुड बी लेट्स से परचेजेस और इंटरेस्ट और एलोकेशन ऑफ एनी कॉस्ट और एक्सपेंसेस. एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंसेस में क्या कवर होगा, मान लीजिए एक ग्रुप है उसकी दो कंपनीज हैं, ग्रुप का ऑफिस एक ही जगह पर है तो उसके लिए वो रेंट पे करते हैं, तो जो रेंट का एलोकेशन इन्होंने दोनों ग्रुप कंपनीज में किया, कोई एलोकेशन अगर कॉस्ट का है या खर्चे का है और एनी इनकम इन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन. अगर कोई इनकम आपकी होती है किसी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से, shall be computed having regard to the arm's length price. मतलब अगर ऐसा covered होता है कोई भी transaction, लेकिन उसके लिए आपको specified domestic transaction में cover होना ज़रूरी है. अगर cover हो जाता है तो जो इसका price है जो आप claim कर रहे हैं as an expense या जो आप income show कर रहे हैं, that will be considered based on the criteria of arm's length price. What would be the price if this transaction instead of being through with two related parties was between two unrelated companies, except if such allowance for expense
or interest reduces the income chargeable to tax or increases the loss. What does this mean? Let us look at a case of company X. Suppose the revenue of company X was 100 and the expenses were 30. Out of this 30 expense, so the profit will be 70. Out of this 30 expense, 10 was something which was paid to a related party. Right? Now, iska aapne arm's length price nikala. Aur arm's length price iska maan lijiye 10 ke bajaye 15 aa gaya. अगर मैं आर्म्स लेंथ प्राइस 15 का कंसिडर करता हूँ तो मेरा टोटल एक्सपेंस जो है ये 30 के बजाय 35 हो जाएगा. 30 माइनस 10 प्लस 15, रेवेन्यू मेरा 100 है तो मेरी इनकम कितनी होगी 65. आर्म्स लेंथ प्राइस क्राइटेरिया लगाने की वजह से मेरी ओवरऑल इनकम कम हो गई. इस केस में ये आर्म्स लेंथ प्राइस का प्रिंसिपल नहीं लगेगा. इनकम विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू व्हाट द असेसी हैज ऑफर्ड. ये तो इनकम कम करने का हुआ. अगर मान लीजिए ये इनकम लॉस में कन्वर्ट हो जाती, इवन दैट केस वुड हैव बीन कवर्ड. सो सपोज इंस्टेड ऑफ 15, इफ दिस एक्सपेंस वुड हैव कम टू 80, आपने 10 रुपये चार्ज किए थे एज एन एक्सपेंस जबकि वो 80 होना चाहिए था, राइट? और लेट्स से इवन 90, वाई 80, 90. अगर मैं ये 90 का एक्सपेंस यहाँ पे क्लेम करता हूँ तो मेरा क्या होगा, 100 का रेवेन्यू, एक्सपेंस विल बी 30 माइनस 10 20 प्लस 90 110. दिस वुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 10 फॉर अस, फॉर द कंपनी. इस केस में आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल नहीं लगेगा. दिस इज समथिंग सिमिलर टू द बेस इरोजन कॉन्सेप्ट जो हमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट में देखा था. वहाँ पर भी यही था कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आप लगाते हैं और उसके वजह से रेवेन्यू का लॉस हो जाता है. रेवेन्यू का लॉस कब होगा? अगर इनकम कम हो गई तो ऑब्वियसली टैक्स कम हो गया. अगर इनकम लॉस में कन्वर्ट हो गई, इवन देन द रेवेन्यू स्टैंड्स टू लॉस. उन केसेस में वो प्रोविजन नहीं लगते. मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, सेक्शन 92 सबसेक्शन बी. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड टू मीन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अदर देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो इसमें कवर नहीं होगा. बट अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो SDT में कवर होगा. स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को अब हम अपने डिस्कशन में SDT बोलेंगे. इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर बाय एन अंडरटेकिंग और यूनिट और एंटरप्राइज और एलिजिबल बिजनेस टू अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द SSE और वाइस वर्सा. अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकी एक डेट ऑफ ट्रांसफर होगी. इस डेट ऑफ ट्रांसफर पे इसकी एक फेयर मार्केट वैल्यू होगी. अगर आप ट्रांसफर करते हैं, कौन सा ट्रांसफर? इंटर यूनिट. जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो ट्रांसफर किस दिन करते हैं? उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम में. बाय किसने? अंडरटेकिंग ने. अंडरटेकिंग एक तरह से क्या हो गई? डिविजन. यूनिट मतलब एक कंपनी में यूनिट वन और यूनिट टू थी. और एंटरप्राइज और एलिजिबल बिजनेस, इन सब की डेफिनेशन हमारे पास है. हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या कवर होगा, क्या नहीं कवर होगा. और एलिजिबल टू बिजनेस टू अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द SSE और वाइस वर्सा. मतलब एक एलिजिबल बिजनेस जिसको कि कुछ स्पेसिफाइड हॉलीडेज मिलते हैं, उसने अगर किसी और बिजनेस में ट्रांसफर किया, दोनों ही जो SSE से कैरी फॉरवर्ड होते हैं या वाइस वर्सा, उन बिजनेसेस ने एलिजिबल बिजनेस को कुछ ट्रांसफर किया. पर्पस सेम है. व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग यू शुड डू इट एट फेयर मार्केट वैल्यू. इफ यू डोंट डू इट एट फेयर मार्केट वैल्यू दैट मे रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेएबल एंड दैट इज व्हाट SDT ट्राइज टू कर्ब. नाउ
What is the meaning of specified domestic transactions? In this context, which are the businesses which are eligible business? हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था एलिजिबल बिजनेस टू अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी. तो एलिजिबल बिजनेस में क्या क्या कवर होंगे? ये बेसिकली वही सारे बिजनेसेस हैं जिनको कुछ ना कुछ टैक्स हॉलीडे मिलता है. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एंटरप्राइज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एंगेज हैं जहाँ आप सेक्शन 80IA में डिडक्शन क्लेम करते हैं. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एन एंटरप्राइज एंगेज इन SEZ डेवलपमेंट. अगर कोई कंपनी है जो SEZ डेवलपमेंट करती है और 80IAB में कवर्ड है और वहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर रही है. सो बेसिकली वॉट हैपन्स इज फॉर द कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर दी सेक्शन एंड आर क्लेमिंग अ डिडक्शन अंडर दी सेक्शन. अगर आप डिडक्शन वगैरह नहीं क्लेम कर रहे हैं, खाली आपका नेचर ऑफ बिजनेस ये है, देन इट डजेंट मैटर. बिकॉज अगर आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर पेइंग नॉर्मल टैक्सेस. बट इफ़ यू आर क्लेमिंग अ डिडक्शन, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन, कि आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा के या इनकम बढ़ा के ओवरऑल टैक्स जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए था उसको इम्पैक्ट कर सके. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एन अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्शन 80IB में जो रेफर्ड है. अंडरटेकिंग्स इन सर्टेन SEZs सेक्शन 80IC में जो कवर्ड है. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ होटल कन्वेंशन सेंटर्स इन स्पेसिफाइड एरियाज. सारे होटल्स एंड कन्वेंशन नहीं, जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है सेक्शन 80IDD. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विच आर कवर्ड फॉर सेक्शन 80IE. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेक्शन 80JJA. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन. डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो इफ़ यू आर क्लेमिंग डिडक्शंस अंडर एनी ऑफ दीज सेक्शन राइट एंड यू ट्रांसफर समथिंग एल्स टू सम अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द SEZ, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. If it is not on the basis of fair market value on the date of transfer, it will be covered within the STD provisions. Inter-unit transfer of goods or services between eligible business and other business at less than fair market value on the date of transfer. Section 80IA, subsection 8 mein, agar ek inter-unit transfer hai, इंटर यूनिट इंटर कंपनी नहीं है, बिटवीन एलिजिबल बिजनेस एंड अदर बिजनेस एट लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज कवर्ड हियर. बिजनेस बिटवीन द SEZ कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस एंड अदर पर्सन वेयर बिजनेस ट्रांजैक्टेड प्रोड्यूसेस मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स इन एलिजिबल बिजनेस. इस केस में क्या है कि अगर आप एक एलिजिबल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, सपोज Let's say there is a company X. It carries on an eligible business. And it transfers or do some transaction. Now these transactions are not within the unit, but with some other person. Right? And the impact of these transaction is that it produces more than ordinary profit. मतलब आपने एक $100 की चीज़ थी जो इन्होंने आपको बेची या आपने इनको बेची. X ने सपोज X sold goods worth rupees $100 to this person, but he sold it for $10,000. Now what this did was X के books में super profits आ गए. That kind of a transaction is covered and the arm's length price of such transaction will be decided based on the arm's length principle. Transaction under chapter 6A or section 10AA where provisions of section 80IA 8 or section 80IA 10 are applicable. Any other prescribed transaction.
इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके होंगे तो वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में कवर्ड रहेंगे। थ्रेशोल्ड फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। नाउ इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, अगर आपका एक रुपये का भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, $10 का, $100 का, $1000 का, वो ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर्ड था। लेकिन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपके स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर होते हैं तभी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। द एग्रीगेट ऑफ SDT ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय SSE इन द प्रीवियस ईयर शुड एक्सीड अ सम ऑफ ₹20 करोड़ टू बी कंसिडर्ड एज अ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अगर ये ट्रांजैक्शन 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, जितने भी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, तभी वो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस में कवर होंगे। अगर जो टोटल वैल्यू है ट्रांजैक्शन की वो 20 करोड़ से कम है, देन दीज प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। एग्जांपल, बी प्राइवेट लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ होटल्स एंड क्लेम्ड एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80IDI। बी प्राइवेट लिमिटेड वॉज अ ग्रुप कंसर्न, लेट्स चेंज द नेम हियर, लेट्स कीप इट एज BB प्राइवेट लिमिटेड। BB Private Limited was a group concern of B but is not claiming any profit linked deduction. BB Private Limited has used the hotel space of B Private Limited for certain event and paid rupees 15 crores. Whether such transaction would be covered as a specified domestic transaction assuming B does not have any other specified transaction. Kyunki ye transaction kiske beech mein hai? B ke beech mein jo ek hotel का बिजनेस कैरी कर रहे हैं जिसमें वो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, और किसी और पर्सन के बीच में है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से बी के पास मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर SDT, बट इसकी टोटल वैल्यू जो है वो 15 करोड़ रुपये है। फॉर बींग कंसिडर्ड हियर द वैल्यू हैज़ टू बी 20 करोड़। In view of this, even though the nature of the transaction will be included, since the total transactions are less than 20 crores, this provision will not be applicable. The aggregate SDT entered into by the SSE in the previous year should exceed a sum of rupees 20 crore to be considered as a SDT. Thus, such transaction could not be considered as a specified domestic transaction.